स्वागत है आप सभी का एबीस्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात बागपत की करेंगे, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। तो कांवड़ यात्रा नजदीक आने के चलते प्रशासन ने सफाई कार्य तेज कर दिया है। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ML व्यास के निर्देशन पर खंड विकास अधिकारी राजेश शर्मा ने बरनवा में बिनौली कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान रास्तों पर भरे हुए पानी की निकासी और नालों की सफाई का काम कराया गया। बता दें कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शिव भक्त इसी मार्ग से होते हुए बरनवा के रास्ते अपने रास्ते को पहुंचते हैं। इस मार्ग पर प्रशासन ने साफ सफाई, पथ का प्रकाश व्यवस्था और सड़क की मरम्मत का काम तेज कर दिया है। रिटर्न बात अमरोहा की कर लेते हैं, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। तो कांवड़ यात्रा 4 जुलाई से शुरू की जाएगी, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर जिले ही नहीं बल्कि मंडल और जोन तक भी अफसर अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। बता दें कि कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पर पर पुलिस की तैनाती की गई है, जिसको लेकर अफसर कांवड़ यात्रा की तैयारियों को में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में DM और SP ने नेशनल हाईवे पर टूटी पुलिया का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कांवड़ियों के लिए बनाए जा रहे वैकल्पिक मार्ग का भी निरीक्षण किया। बता दें इस दौरान DM ने सभी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि सिर्फ भक्तों की सुरक्षा को देखकर प्रशासन ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर रूट डाइवर्ट प्लान लागू कर दिया है, जहां कांवड़ यात्रा मार्ग पर हजारों पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही PSC को भी तैनात किया गया है। देखिए, कांवड़ के लिए हम लोगों ने सारी व्यवस्था मुकम्मल रखने के लिए सभी चीजें चल रही, साफ सफाई चल रहा है, लगभग वो कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पे एक टूटी पुलिया थी, तो उसकी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, उसको उसकी पुख्ता व्यवस्था कर रहे हैं। इसको एक दो दिन में ये भी काम पूरा हो जाएगा, और बाकी जगहों पे जो भंडारे लगते हैं उनके परमिशन के भी काम शुरू हो गए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से ये है कि जिसको भी अगर शिविर लगाना है तो अपना परमिशन। बजरंग में बात बलिया की कर लेते हैं, जहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक ने ओम प्रकाश राज पर निशाना साधा है। तो बलिया में समाजवादी पार्टी के विधायक जयप्रकाश अंजल ने ओम प्रकाश राजभर पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर BJP की नजदीकी के सवाल पर जमकर जुबानी हमला बोला। इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर को जहां लाभ दिखाई देता है वो वहां चले जाते हैं। जहां समाजवादी पार्टी के विधायक ने चुटकी लेते हुए कहा कि आज तक कोई भी गठबंधन वो नहीं चला पाए हैं। उन्होंने कहा कि जब चुनाव नजदीक होता है तो वो गठबंधन करते हैं, और चुनाव बीत जाने के बाद वो गठबंधन को तोड़ने का काम किया करते हैं। तो वहीं उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में पूरी दमदारी से 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ने की घोषणा की, और साथ ही उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में अधिक से अधिक जीतने का काम करेगी। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, और 2024 के चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ओम प्रकाश जी के स्वभाव से सिर्फ हम लोग नहीं बल्कि आप लोग भी परिचित हैं कि जहां उनका लाभ दिखाई देगा उधर जाएंगे। आज तक किसी से गठबंधन तो चला नहीं पाए, जब चुनाव नजदीक होता है तो गठबंधन करते हैं, चुनाव बीत जाता है तो गठबंधन तोड़ने का काम करते हैं। तो उन पर क्या प्रतिक्रिया जाहिर करना है? अरे, हम लोग अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, हम लोग दमदारी से पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी अधिक से अधिक सीट। बैठक में बात कर लेते हैं यूपी ATS की, जहां ATS की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ATS की टीम ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। तो उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को बड़ी सफलता मिली है, जहाँ UP ATS ने हिजबुल मुजाहिदीन और अंसार हिंद से जुड़े एक आतंकी को धर दबोचा है, जहां गिरफ्तार किए गए आतंकी की पहचान रिजवान खान के रूप में हुई है। इसके साथ ही गोंडा निवासी सद्दाम शेख को भी ATS ने गिरफ्तार किया है, जहां रिजवान से हुई पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वो प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से मिलकर देश विरोधी काम को अंजाम दिया करता था। इसके साथ ही वह प्रतिबंधित संगठनों के प्रमुख बुरहान वानी, जाकिर मूसा, नाविद जट की विचारधारा और जिहाद के माध्यम से देश में शरिया कानून लागू करने को लेकर देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। दरअसल रिजवान को लेकर ATS को सूचना मिली थी कि एक कश्मीर निवासी संदिग्ध युवक
कि कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में रह रहा है, जहां विभिन्न आतंकी संगठनों से जुड़कर देश विरोधी कामों में ये लिप्त है। इसके बाद ही फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहकर आतंकी और आतंकी संगठनों के फोटो वीडियो प्रसारित कर लोगों से लगातार उनको जोड़ रहा था। इस इनपुट पर काम करते हुए जानकारी में आया कि रिजवान खान, जो कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, इसको लेकर रिजवान को नोटिस देकर पूछताछ के लिए एटीएस मुख्यालय बुलाया गया था, जहां उसने पूछताछ में अपने गुनाह को कबूल किया। उसने बताया कि उसे मिलिटेंट्स और बंदूकें बहुत प्रभावित करती हैं और वो मुजाहिद बनना चाहता है। बेटन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां किन्नरों के गुट में संघर्ष देखने को मिला है। तो मथुरा में किन्नरों के बीच संघर्ष देखने को मिला। बता दें कि किन्नरों में असली और नकली को लेकर जंग छिड़ गई, जहां पीड़ित किन्नर आकांक्षा अग्रवाल ने दबंग किन्नरों पर मारपीट का आरोप लगाया है। बता दें कि यह सारा मामला वृद्धन चौराहे के पास का बताया जा रहा है, जहां पीड़ित किन्नर ने बताया है कि वो काम कर घर लौट रहा था, तभी एक दर्जन से अधिक नामजन किन्नरों ने उसके साथ मारपीट की है, जिसके बाद घायल किन्नर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहाँ पीड़ित किन्नर ने बताया है कि दबंग किन्नर इससे पहले भी उस पर हमला कर चुके हैं, जिसको लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है। तो वहीं दबंग किन्नर पीड़ित को मुकदमे वापस लिए जाने की भी धमकी दे रहे हैं। इस दौरान पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम आकांक्षा उर्फ अजय किन्नर। ये जो घटना हुई थी, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं 22 तारीख की रात को गोवर्धन चौराहे से निकल रही थी मंगलम मैरिज होम में, वहाँ पे मुझे मुन्ना किन्नर के चेलों ने रोक लिया। तीन किन्नर उसके चेले थे, तीन रेशमा, सौकिन और एक किन्नर ओढ़ता। उन्होंने रास्ते में मुझे रोक लिया और मुझे रोक के पकड़ लिया, मुझसे कह रही मेरी गुरु आ रही, रुक जा। तो गुरु को बुला के कुछ गुंडे बदमाश बुला लिया, अपने गुरुओं को बुला लिया फोन करके, और वहाँ पे मुझे पुल के नीचे तो बिटन में बात तो मथुरा की कर लेते हैं, जहाँ अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हुई, जिसके बाद युवती के परिजनों ने जमकर प्रदर्शन किया है। तो मथुरा के वर्मा हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान 18 साल की युवती की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद युवती के परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। इस दौरान युवती के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है और इस दौरान जमकर हंगामा किया है। इस दौरान अस्पताल के डॉक्टर मौके से फरार हुए, तो वहीं हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को शांत कराया, जहां पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। ये जो बेटी जो एक्सपायर हुई है, बच्ची, ये अपेंडेंस की नस जो बढ़ रही थी उसका ऑपरेशन कराने के लिए आए थे। जैसे ये एडमिट करते हैं यहाँ पे, तो इनके जो कंपाउंडर होते हैं, ऑपरेशन से पहले उन्होंने एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, और वो जो इंजेक्शन की जो डोज थी इन्होंने हैवी दे दी, जिसकी वजह से वो बेहोशी में उसके बाद होश आए ही नहीं उस लड़की को। आधे एक घंटे बाद बोलते हैं कि लड़की ख़त्म हो चुकी है। ऑपरेशन आज ही होना था। कौन डॉक्टर? डॉक्टर प्रवीण वर्मा। अभी देखा जा रहा है अस्पताल में कोई है भी नहीं, सारा स्टाफ भाग गए, सब लोग छोड़ गए। तो ब्रिटेन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि झांसी में महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जहां महिला ने अपने प्रेमी की पत्नी पर मारपीट का आरोप लगाया है। दरअसल पीड़ित महिला ने बताया है कि उसके प्रेमी की पत्नी और उसके परिजनों ने महिला के साथ मारपीट की, जहां मारपीट की शिकायत लेकर महिला थाने पहुंची, जहां कार्रवाई ना होने पर महिला ने थाने के बाहर ही प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने महिला पर शांति भंग करने को लेकर चालान किया। तो वहीं अब पीड़िता ने न्याय के लिए विभाग के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। ब्रिटेन में बात औरैया की कर लेते हैं, जहां स्कूल में चोरी का मामला सामने आया है। तो औरैया के अलछदा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में चोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि अज्ञात चोरों ने विद्यालय के ताले तोड़े और विद्यालय में रखा मिड डे मील का राशन समेत पंखे, एलईडी बल्ब और बाकी सामान चोरी किया। बता दें कि यह सारा मामला अलछदा ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामपुरवेश का बताया जा रहा है। इस दौरान प्रधानाध्यापक ने इस मामले की शिकायत पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले की जाँच शुरू की। कुमार इंचार्ज प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामपुर बैस। आज हमारे विद्यालय में अज्ञात कारणों से या अज्ञात लोगों द्वारा विद्यालय में जो है सभी ताले टूटे हुए पाए गए हैं। बच्चों द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई, सूचना के उपरांत जो है मैं 20 मिनट के अंदर विद्यालय पहुंचा और मैंने 112 नंबर पर जो है सूचना दी। उसके बाद पुलिस भी यहां आई है और पुलिस द्वारा और गाँव के संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा ग्राम प्रधान को सूचना के देने के उपरांत सभी के द्वारा ये देखा गया कि विद्यालय में जो हमने
खाद्यान्न हमको एमडीएम में प्राप्त होता है वो मिला हुआ था, और उसको जो है चोरों ने बाकायदा जो है पूरा चुरा लिया है। उसमें 2 क्विंटल चावल और उसमें 1 पैकेट। विजन में बात तो फरुखाबाद की कर लेते हैं, जहां पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। तो फरुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के सलेमपुर त्योरी गांव में 2 सगे भाइयों की पानी में डूबने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई मवेशियों को चराने के लिए निकले थे, तभी एक भट्टे के पास पहुंचने पर दोनों भाइयों ने गड्ढे में भरे पानी में नहाने लगे। इस दौरान 2 मासूम भाइयों की पानी में डूबकर मौत हो गई। जहां सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। बात आगरा की कर लेते हैं, जहां चंबल नदी में एक स्टीमर फंस गई, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। तो आगरा के नाहट थाना क्षेत्र के चंबल नदी में संचालित पीडब्ल्यूडी स्टीमर नदी के बीचों बीच अचानक खराब हो गया, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। दरअसल स्टीमर के पंखे में रस्सी फंसने के कारण स्टीमर का इंजन जाम हुआ, जिससे स्टीमर बीच नदी में ही फंस गया। जानकारी के मुताबिक स्टीमर में करीबन 100 सवारियां सवार थी। इस दौरान स्टीमर में कर्मचारियों ने पंखे से रस्सी निकालकर स्टीमर को ठीक कर चालू किया, जिससे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। इस दौरान यात्रियों ने एक दूसरे स्टीमर की मांग की है। तो यूपी के बुलेटिन अपना तो प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।